जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं आपका टीचर तुहान सर। आज कंटिन्यू क्लास 11 फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कल आपका पहला आपका वीडियो दे चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। आज के टॉपिक है क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर का कंटिन्यूटी पार्ट टॉपिक इंक्लूड। आज के क्या टॉपिक है? आज के टॉपिक इंक्लूड है स्कोप ऑफ फिजिक्स। सर जी स्कोप ऑफ फिजिक्स की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? यदि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आपको पता है फिजिक्स किसमें थी। सर छोटे छोटे हमने सर एक छोटे से उनके गोले लग रहे थे और उनसे क्या ना था 10th क्लास में सर चार्ज बन गया था। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज बना था। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 10^-31 kg के रेंज में, 9.1 kg यानी कितना छोटा। और फिजिक्स कहां पर जाके आगे पहुंच रही है? फिजिक्स पहुंच रही है आगे और आगे, यानी कि सर यूनिवर्स पर। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, यूनिवर्स का मास, गैलेक्सी वगैरह सब क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स को इतने इस इतना छोटे से लेके एक इलेक्ट्रॉन से लेकर और इतना बड़ा गैलेक्सी तक जाने के लिए हमने फिजिक्स को तीन पार्ट में बांट लिया कि पढ़ने के हिसाब से हमें फायदा हो जाए और हम उस हिसाब से पढ़ते रहे कि फिजिक्स इस वाले लेवल में आएगा, इसमें आएगा। तो हमने फिजिक्स को तीन पार्ट में बांट दिया। समझ लीजिए, पहला पार्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स, दूसरा मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स, और तीसरा मैंने रखा है और डबल टिक लगा रखी है, वो बता दूंगा क्यों ऐसा कर रखा है। चलिए पहला माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। माइक्रो जैसे ही नाम से पता लग रहा है, माइक्रो मतलब छोटा सा, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से देखने वाला। माइक्रोस्कोप से देखने वाली फिजिक्स की हम बात करें तो वो फिजिक्स क्या होगी? सर ऐसी फिजिक्स जिसमें कि आप लोग एटॉमिक स्केल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसमें आएगी? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड विद मॉलिकुलर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। मैं रिपीट कर देता हूं, माइक्रोस्कोप लेवल किस किस पर डील कर रहा है? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स इंक्लूड मॉलिकुलर, नंबर वन मॉलिकुलर, मॉलिकुलर नंबर टू, नोट बना लीजिए, माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स इंक्लूड न्यूक्लियर न्यूक्लियर एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिनोमिना। डन नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस का नाम पता लग रहा है कि मैक्रो मतलब बिग इन साइज, कितना बड़ा साइज में, यानी फिजिक्स की वो चीजें जिनकी साइज से बड़ी है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उन्हें हम किस तरह रखेंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में। अब सर मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन को बनाइए, कैसे बनाइए? मैक्रोस्कोपिक डील्स विद फिनोमिना एट टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, यानी कि इस अर्थ पर घटना घटने वाली कोई भी फिनोमिना और स्पेस पर घटने वाला कोई भी फिनोमिना जो तुम अपनी आंखों से देख लो, मैक्रो बिग साइज इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। छोटा सर एटॉमिक स्केल की बात करें, न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर स्केल की स्पेस मॉलिक्यूलर वाली की बात करें तो एटॉमिक स्केल मॉलिक्यूलर स्केल पर जो बातें हो रही हैं एटम की, सॉरी आपका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रिपल्सन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन सब किस फिजिक्स में आएगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में आएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें मैक्रोस्कोपिक, तो भैया टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर जो फिजिक्स आ रही है, जो भी फिनोमेना हो रहे हैं नेचुरल फिनोमेना, वो सब क्या होंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स, मतलब ऐसे फिनोमेना विच वी सी बाय आवर नेक्ड आई, हम अपनी सिंपल आंखों से जिस फिनोमेना को देख लें वो सब किस में आएंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स पर। अब आते हैं मीडियोस्कोपिक। बहुत से बच्चे कहेंगे सर मीडियोस्कोपिक एनसीईआरटी में कहां है, क्या पढ़ा दिया? मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 3 सबसे नीचे जाइए, एक स्टार बनके लिखा हुआ है, मिला? दोबारा देखना एनसीईआरटी पेज नंबर 3 एक स्टार बनके लिखा हुआ है मीडियोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स एनसीईआरटी में। ये बहुत लोगों को मिलेगा, ये कहां पर है? बहुत लोगों ने पढ़ा लिया होगा, बहुत से आपको सीनियर होंगे वो तो कहेंगे सिलेबस में ही दिख रहा, कहीं एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन मैं बता दूं एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे टेबल की जो स्टार बनके लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है मीडियोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। और आजकल सबसे अधिक रिसर्च इसमें ही हो रही है। मीडियोस्कोपिक किसको डील कर रहा है?
माइक्रो छोटे छोटे जो आंखों से नहीं देख पाए एटॉमिक स्केल, जो आंखों से देख लिया वो मैक्रोस्कोपिक, तो मीजोस्कोपिक क्या है नोट करो, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर आप आगे बात करेंगे। मीजोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड विद फ्यू हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ एटम, मतलब जहां पर ग्रुप ऑफ एटम की बात आ जाए वहां पर क्या होगा, मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स की बात करी जाएगी। एक एटम एक मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ा फिनोमिना मैक्रोस्कोपिक। और यदि मैं बात करूं आपका, यदि मैं आपकी बात करूं कि ऐसा फिनोमिना जो हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो वो किसमें आएगा, मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में आएगा। आप समझ में आ गई, मीजोस्कोपिक डील्स ऑलवेज विद अ थाउजेंड और हंड्रेड ऑफ एटम्स, अदर लैंग्वेज अदर वर्ड वी से मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स डील्स विद ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। और सबसे बड़ी बात, आजकल सबसे रिसर्च मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स पर हो रही है, मैक्सिमम रिसर्च जो हो रही है वो किस पर हो रही है, मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स पर चल रही है मैक्सिमम रिसर्च। यानी कि मीजो इस समय एक्साइटिंग ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एनसीईआरटी का टॉपिक है, इस बार का सिलेबस का ही टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं भैया, ऐसी फिजिक्स में क्या है, तो याद करो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी कि हमें नेचर के सीक्रेट निकालने हैं, नेचर के सीक्रेट निकालने हैं, तो वो क्या होगा, कौन निकालेगा, सर फिजिक्स निकालेगा। तो पहला हम फिजिक्स क्यों कर रहे पढ़ रहे हैं, फिजिक्स डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ नेचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दूसरा, और वो है फिजिक्स कैरी आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि मैं छोटे से बच्चे को पढ़ा लूं जो कि केवल हाफ पैंट पहने घूम रहा हो, तो उसको एक मैग्नेट पटा दिया है, वो मैग्नेट को लिए दूसरे मैग्नेट से खेलता रहेगा, बोर नहीं होगा, कंटिन्यू खेलता रहेगा। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे हैं, यदि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए तब तक तो आप उससे मजे ही लेते रहते हो। तो कैसे हैं ये, कैरिंग इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। रेनबो, पहले हम सोच रहे थे रेनबो क्या था, भैया इंद्र जी का धनुष है, कुछ आए थे उन्होंने दिखा दिया कि हम जीत गए थे, कि बैट्समैन क्या करता है, सेंचुरी बनाने के बाद बल्ला लगाता है। इसी तरह हमारे पूर्वज कहते थे कि भैया इंद्र जी ने अपना धनुष दिखा दिया, इतना बड़ा धनुष है कोई लड़ने मत पहुंच जाना, ठीक है ना। इंद्र के बारे में आपको बताइए, ऋग्वेद में हमारे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 252 मंत्र है ऋग्वेद में इंद्र के नाम में, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं, तो इंद्र धनुष नहीं था वास्तव में, क्या था, रेनबो था, जो अब चैनल पढ़ चुके हो, ठीक है ना। किसने बताया, फिजिक्स ने। तो फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द नेचर, नंबर टू फिजिक्स कैरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, और नंबर थ्री फिजिक्स कि यदि मैं लॉ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर दूं, तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स लाइफ मेक लग्जरियस, लाइफ लग्जरियस हो जाएगी। लग्जरियस मतलब भैया, लग्जरियस मैंने कि फैन बन गया, फिजिक्स ने बना दिया, आपने टेंथ में पढ़े थे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल सब फिजिक्स की कहानी थी, और उसकी यूज करके मैं क्या किया था, फ्लेमिंग के रूल से भैया हमने एक कॉइल को घुमा दिया था, कॉइल को घुमाने से क्या हुआ था, फैन बन गया था, कूलर बन गया था। तो आपका एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर सब क्या है, फिजिक्स की देन है। सर आपको तो बहुत गर्मी लग रही है, हाँ भैया गर्मी इसलिए लग रही है कि नहीं, आवाज यदि फैन चला लेंगे तो आवाज यहाँ पर साउंड नॉइस प्रोड्यूस हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए कोई बात नहीं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात है, ये फिजिक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैं तीन पॉइंट ला दिए, यही बहुत है आपके लिए। फिजिक्स कैरी एक्साइटमेंट, फिजिक्स कैरी आउट द सीक्रेट ऑफ नेचर, नंबर दूसरा फिजिक्स कैरी एक्साइटमेंट इन देयर एक्सपेरिमेंट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यदि फिजिक्स के लॉ, अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स इन रियल लाइफ, लाइफ बिकम लग्जरियस।
फिजिक्स कैरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी क्या रिलेशन है आपस में भैया? फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का रिलेशन क्या है क्या नहीं है? मैं कहता हूं फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल सर आप नोट नहीं बना रहे, आप नोट बनाइए क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कह दिया कि नोट पर डिस्कस करना है कि नोट्स यदि आप चाहे तो बना सकते हैं, हम केवल डिस्कस करने की बात कर रहे हैं इसलिए बता नहीं रहे सर। टॉपिक ही लिखे हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है चलो। नेक्स्ट है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? छोटा सा एग्जांपल, यदि आपको याद होगा एक बच्चा केतली पर पानी भर पानी गर्म कर रहा था, उसके ऊपर उसने लिड को रख दिया, उसने ढक्कन को रख दिया, ढक्कन क्या कर रहा था सर? ढक्कन बार बार स्टीम की वजह से ऊपर उठ रहा था, यानी क्या हुआ सर? स्टीम पावर। स्टीम पावर के बाद क्या बना सर? एक इंजन बन गया, स्टीम इंजन। तो पहले क्या आया? टेक्नोलॉजी आई और उसने एक नई फिजिक्स बना डाली, और नई फिजिक्स बनी कौन सी? थर्मोडायनामिक फिजिक्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टीम इंजन पहले बना, टेक्नोलॉजी पहले आई और उससे क्या बना? उससे बनने वाली फिजिक्स थी थर्मोडायनामिक फिजिक्स। पहले टेक्नोलॉजी, उससे नई न्यू फिजिक्स कौन सी? थर्मोडायनामिक। टेक्नोलॉजी कौन सी? टेक्नोलॉजी इज स्टीम इंजन, गिव्स न्यू फिजिक्स थर्मोडायनामिक फिजिक्स। यानी कि टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को बना दिया। अब दूसरा एग्जांपल, पहले जमाने में कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े कंप्यूटर, ठीक है, उनकी मेमोरी के कमरे के बराबर होती थी। फिर क्या हुआ? अब कंप्यूटर इतने छोटे हो गए हैं कि आप जेब में रखे घूमते हो और आपके पॉकेट में आराम से मोबाइल, आराम से कंप्यूटर का ही पार्ट। तो क्या हुआ? छोटा होता जा रहा है। किसने चेंज कर दिया सर? फिजिक्स ने। अब फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी बना दी, कौन सी टेक्नोलॉजी? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो आपके माइक्रो, जो आपके प्रोसेसर वगैरह जो आपके छोटे हो गए सब, किसकी वजह से हो गए? फिजिक्स की वजह से। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स? सेमीकंडक्टर फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, और टेक्नोलॉजी कौन सी ले आई? कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। देन फिजिक्स गिव्स न्यू टेक्नोलॉजी नेम कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्थ, इसका नाम दिया। इस फोर्थ के बारे में इस बार सीबीएसई ने कोई बारे में डिटेल में नहीं कहा है, लेकिन इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फोर्थ किसे कहते हैं? आप फोर्थ ऑलरेडी जानते हैं, फोर्थ किसे कहते हैं? फोर्स या पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक पुश है और एक खिंचाव और धक्का है, जिसकी वजह से हम किसी फोर्स या पुश और पुल, ठीक है ना, इससे क्या होता है बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, या फिर कोई बड़ी चल रही है तो अपना अपना स्पीड चेंज कर लेती है। इसे हम फोर्स बोल रहे थे नाइन्थ क्लास में, छोटी सी जगह पढ़ेंगे। अब फोर्स में भी हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, और फोर्स में पढ़ना है फंडामेंटल फोर्स और ड्राइव फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स ऐसे फोर्स जो किसी पर डिपेंड ना हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। ऐसे फोर्स जो किसी पर डिपेंड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। और ऐसे फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट है ओन, नेचुरली एग्जिस्ट देयर ओन, आर नोन एज द फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स का दूसरा नाम होता है बेसिक फोर्स। बेसिक फोर्स, फंडामेंटल फोर्स आर दोज फोर्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर एज देयर ओन। मैं रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल फोर्स आर दोज फोर्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर ऑफ देयर ओन इज नोन अ फंडामेंटल फोर्स, एंड अदर नेम इज अ बेसिक फोर्स। द सेकेंड फोर्स इज अ ड्राइव फोर्स। ड्राइव फोर्स क्या है? जो फोर्स इन फंडामेंटल फोर्स से मिलके बने, उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव फोर्स। फंडामेंटल फोर्स की क्वांटिटी ओनली फोर है नेचर में। कल के वीडियो में इसकी डिटेल बताऊंगा, फिलहाल तो आप इतना समझिए फंडामेंटल फोर्स और ड्राइव फोर्स। मैं आज का रिकॉल नहीं करा रहा हूं, ठीक है, आपको केवल इतना ही याद रखना है। कल
और आगे बात करते हैं। जय हिंद बच्चों।